ecological pyramids the examples फर्स्ट अकाउंटेंट्स example ऑफ pyramids ऑफ numbers an example ऑफ pyramids ऑफ बायोमैस स्टूडेंट्स यहाँ बेसिकली जो स्टडी करने, है प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि किस तरह से पैरामिड जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है और किस तरह से जो होता है वो किस पैरामिड जो है किसी एकोसिस्टम के अंदर ट्रॉफिक लेवल को रिप्रजेंट करती है सो so, पहली जो एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज़ अबाउट द पैरामिड ऑफ द नंबर्स के पैरामिड ऑफ नंबर्स जो है वो किस तरह से आप उसका जब वो अगर हम खुद प्रैक्टिकली एक पैरामिड जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं किसी इकोसिस्टम की तो हम उसको किस तरह से जब वो डिज़ाइन करेंगे अच्छा पैरामिड्स को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी है कि उस इको सिस्टम को पहले सर्वे किया जाए और उसके अंदर मौजूद प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर का बाकायदा उनका नंबर जो है वो नोट किया जाए यानी कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए प्रॉपर अच्छा अगर हम देखें तो किसी भी इको सिस्टम पूरे इको सिस्टम की उस तरह से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल नहीं होती है तो इसका एक सिंपल वे ये भी होता है कि सपोज हमारे पास अगर कोई एक आ, ग्रास लैंड है या कोई भी इको सिस्टम मौजूद है तो उसको डिफरेंट एरियाज में यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाता है एज ए साम्पल्स और फिर जो है वो उन स्पेसिफिक मार्क एरिया के अंदर प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी और कंज्यूमर जो होते हैं उनका नंबर नोट किया जाता है अब वो एरिया जो तो है उसको फिर पूरे इको के साथ जो होता है उसको क्या किया जाता है इसको कंपेयर कर लिया जाता है तो हमारे पास यानी अगर हम किसी एक स्पेसिफिक यानी अगर हमारे पास सपोज एक ऐसी छोटा सा ग्रास लैंड का एक पैच है तो अगर हम उसमें वन स्क्र मीटर के अंदर या वन स्क्वेयर फीट के अंदर एक सैम्पलिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें कितने प्रोड्यूसर्स हैं कितने कंज्यूमर्स मौजूद हैं तो हम फिर पूरे उस जो है वो एक जो पैच है या स्मॉल जो फील्ड है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं तो इस ये साम्पलिंग मेथड होता है जिसमें हम पूरे इकोसिस्टम को कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक जो होता है वो सैंपल लेकर फिर उसके बाद उसको पूरे इकोसिस्टम के ऊपर अप्लाई किया जाता है सो so, अब सपोज हमारे ग्रास लैंड है उसमें से हमने जो डाटा कलेक्ट किया है बाय सैंपलिंग मेथड उसमें यह है कि वी आर हैविंग द प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर अबाउट वन पॉइंट फाइव मिलियंस देन सेकेंड वन द प्राइमरी कंज्यूमर्स

बॉटम लाइन के ऊपर हम प्रोड्यूसर्स को रखेंगे एंड स्पोर्स दे आर वन पॉइंट फाइव मिलियंस हमारे कैलकुलेशन में अगर वन पॉइंट फाइव मिलियंस हैं तो हम यहाँ इसको मैंशन करेंगे नेक्स्ट लेवल इज़ ट्राफिकॉर हरबीवोर्स हरबीवोर्स जो हैं दे आर पॉइंट टू मिलियंस पॉइंट टू मिलियन मीन टू लैक देन द थर्ड थर्ड ट्रैफिक ट्रैफिक लेवल लेवल इज एक्चुअली सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देयर पॉइंट जीरो नाइन मिलियंस आर नाइनटी थाउजेंड एंड एट द टॉप इट इज द टर्सरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर का नंबर जो है वो वन है तो वट द पैरामिड इज शोइंग पैरामिड्स जो हमें चीज़ सामने इंडिकेट हो रही है वो ये है कि जैसे जैसे हम ट्राफिक लेवल में ऊपर जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्गनिज्म इट इज़ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेजम क्या होगा ये कम होता चला जाता है जो इससे ये एक एनर्जी फ्लो को भी छोड़ चूँकि नीचे वाले ट्राफिक लेवल वाले ने ऊपर वाले ट्राफिक लेवल को फीड करना है इसलिए अगर नीचे वाला ट्राफिक लेवल कम होगा तो ये ऊपर वाले को कैसे फीड करेगा तो इसी वजह से हमेशा नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं द सेकेंड एग्जाम्पल इज द पायरामिड ऑफ़ द बायोमैस पायरामिड ऑफ बायोमैस के लिए हमारे पास जो अब जब हम सैम्पलिंग करें, करेंगे या एक सपोज वी हैव हाँ हैविंग अ हाँ पाउंड हमारे पास एक पाउंड मौजूद है उस पाउंड के अंदर डिफरेंट एक्टिक लाइफ जो हम मौजूद है एल जी मौजूद है एल जी के अलावा डिफरेंट यूनिवर्टी ब्रेड्स हैं दैन दर्टी uh, ब्रेड्स में हरबी वो फिश हो सकती हैं कारनी वोर फिशज हो सकती हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हैं तो अगेन वी विल यूज़ द सेम सैम्पलिंग मेथड अब हम पूरे पाउंड में से हर एक चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं या उसके बायोमैस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे सिंपली सैम्पलिंग करेंगे एक स्पेसिफिक अमाउंट या एक स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है उसको सैम्पलिंग कर लेंगे और उसके बाद उसको पूरे इको के ऊपर क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे कि अगर इतने वॉल्यूम में से इतने प्रोड्यूसर्स हैं इतने कंज्यूमर्स हैं तो इसका मतलब ये पूरे पाउंड के अंदर जो है जितनी भी जो आ, अमाउंट मौजूद है जो इस इक्विस्टम के अंदर है तो हम उसी हिसाब से उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके जो टोटल पाउंड के जो है वो बायोमैस निकाल लेंगे सो सपोज इन दिस डाटा ये जो पाउंड जिसको हमने इसकी सैम्पलिंग की है या जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं इसका जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूसर्स जो हैं दे आर अबाउट एट ज़ीरो नाइन ग्रेम पर स्क्वायर मीटर्स अच्छा यहाँ देखना कि जो बायोमैस है ये हमेशा हम कैसे मेजर करते हैं बायोमैस का तरीकाकार तो जो है जो सैंपल्स होते हैं उसमें हम प्रोड्यूसर्स अलग करेंगे जो प्रोड्यूसर है उसको ड्राई किया जाएगा और ड्राई करने के बाद उसका क्या हम करेंगे उसको जो है वो वेट मेजर करेंगे तो द वेट इज़ इन ग्राम पर स्क्र मीटर तो पर स्क्यर मीटर जो होता है वो वेट जो है उसको मैयर किया जाता है तो सपोज द प्रोड्यूसर दे आर एट जीरो नाइन दैन द प्राइमरी कंज्यूमर्स दे आर थर्टी सेवन ग्राम्स देन सेकेंडरी कंज्यूमर दे आर एलेवन ग्राम्स एंड कंज्यूमर इज़ द वन पॉइंट फाइव ग्राम हम देख रहे हैं जैसे हम प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं तो बायोमैस कम होता जा रहा है अगर हम इसकी पैरामिड ड्रा करेंगे तो दिस इज पैरामिड ये जो प्रोड्यूसर्स हैं अब चूंकि ये हमारे पास जो है वो वाटर बॉडी है तो इसके अंदर जो प्रोड्यूसर है मेनली उसमें एल जी होंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पलेंगटन मौजूद होंगे फाइटो पलेंगटन यानी ग्रीन प्लांट्स होंगे इसमें सो इट इज़ एट जीरो नाइन देन हर्बीवोर्स थर्टी सेवन ग्राम्स दैन सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिसको कार्निवोर्स हम बोल रहे हैं दे आर एलेवन ग्राम्स और जो इसके बाद टर्सरी कंज्यूमर्स हैं दे आर वन पॉइंट फाइव ग्राम पर स्क्वेयर मीटर दिस पायरामिड इज शोइंग दैट एज वी मूव फ्राम बॉटम टू टॉप फ्राम वन ट्रैफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल द अमाउंट ऑफ बायोमैस विल डिक्रीज बायोमैस की अमाउंट अल्टीमेटली क्या करती जाएगी डिक्रीज करती जाएगी तो इस हमारे पास जो है एक स्पेसिफिक जो है वो एक पायरामिडल शेप जो अपन पैरामिडल शेप क्यों है टॉप के ऊपर नैरो है नीचे से क्या है ब्रॉड है इस वजह से जैसे हम इसको पैरामिड कहेंगे